गाइज, फिलहाल इंडियन मार्केट में एमआई ने अपने दो लैपटॉप लॉन्च किए हैं एंड हो सकता है आप में से कुछ व्यूवर गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए इन लैपटॉप्स की तरफ जाएं, क्योंकि काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हुआ हुआ है मार्केट में। सब लोग इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। 17 जून दोपहर 12 बजे से इनकी सेल स्टार्ट होगी, तो काफी सारे लोग बल्क के अंदर इन्हें लेने वाले हैं। सो जो भी गेमर्स एंड वीडियो एडिटर्स इस लैपटॉप को सिर्फ गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे हैं स्पेशली, तो उन सबका डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के लास्ट तक। आपको पता चल जाएगा कि आपको इन लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। सो मैं ऋषभ और आप देख रहे हैं टेक बाय ऋषभ। तो चलिए करते हैं आज का सेशन शुरू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि गेमिंग लैपटॉप और नॉर्मल लैपटॉप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आपको नहीं पता इस चीज के बारे में तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां जाके आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। सो एमआई ने अपने लैपटॉप की जो सीरीज है उसके अंदर दो मॉडल लॉन्च किए हैं, एमआई नोटबुक और MI नोटबुक होरिजोन। ये दो मॉडल्स पेश किए गए हैं, जिसमें से पहले वाले MI नोटबुक के तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिनमें जो सबसे पहला स्टार्टिंग वेरिएंट है उसका प्राइस रहता है 42,000 रुपीज, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 8GB RAM, 256GB का SSD और 14 inches का फुल HD डिस्प्ले, एंड साथ में जो इसका प्रोसेसर रहने वाला है वो i5 10th generation का रहेगा। सेकेंड वेरियंट का प्राइस है 45,000 रुपीज। स्पेक्स सेम ही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर स्टोरेज बढ़ा दी गई है, तो स्टोरेज इसके अंदर 512GB आपको देखने को मिलेगी। और जो MI नोटबुक का तीसरा वेरिएंट है इसी रेंज के अंदर, उसके अंदर आपको एक प्लस पॉइंट ये मिलता है देखने के लिए, इसमें आपको NVIDIA का GeForce MX250 ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिलेगा, और इस वेरिएंट का जो प्राइस है 48,000 रुपीज यहाँ पे रखा गया है। तो ये तो था फर्स्ट वाला मॉडल। और सेकंड वाला जो मॉडल है यानी MI नोटबुक होरिजोन, उसके दो मॉडल्स आते हैं, जिसमें पहले मॉडल का अमाउंट रखा गया है 55,000 रुपीज। स्पेक्स इसके रहते हैं, प्रोसेसर इसमें i5 का 10th जनरेशन ही रहेगा, और सभी मॉडल में रैम सेम है 8GB DDR4, और इसी के साथ इसमें आपको NVIDIA का GeForce MX350 ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिलेगा। और अगर इससे ऊपर यानी टॉप वाले वेरिएंट पे जाते हैं तो उसका अमाउंट यहाँ पे 60,000 रुपीज रखा गया है। इसके अंदर फर्क ये रहेगा कि i5 की जगह आपको i7 प्रोसेसर देखने को मिलेगा 10th generation। सो अब बढ़ते हैं इनकी बिल्ड और क्वालिटी के ऊपर। तो जो बिल्ड है इसका प्रॉपर, वो मेटल फिनिश के अंदर इसको डिजाइन किया गया है, और इसका डिजाइन इतना यूनिक नहीं है, बिल्कुल चोर्स रेक्टेंगल की तरह इसका शेप दिया गया है, तो इतना अच्छा मेरे को देखने को नहीं लगा। लेकिन हाँ, इसका जो डिस्प्ले का जो एजेस है यानी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो काफी ज्यादा है, बाकी मार्केट में अगर लैपटॉप से कंपेयर करते हैं तो काफी छोटे बेजल्स हैं इसमें, तो वो चीज यहाँ पे इसको एक अच्छा लुक देती है। और सबसे मेन बात अब ये रहती है कि गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के पर्पज के लिए जो लोग इस लैपटॉप को स्पेशली लेने वाले हैं उन्हें इसे लेना चाहिए या नहीं। तो देखिए, प्रोसेसर सब में हाई एंड है, 10th जनरेशन के i5 से i7 के प्रोसेसर दिए हैं, नो डाउट इसमें प्रोसेसर के मामले में आपका ये जो लैपटॉप है बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, बट अकेला प्रोसेसर ही सारा कुछ नहीं करता। अगर आप 60,000 की रेंज के अंदर अगर मार्केट में लैपटॉप देखने जाते हैं गेमिंग वाले, तो आपको लगभग 56,000 रुपए की वैल्यू के अंदर इनसे काफी अच्छे स्पेक्स देखने को मिलेंगे। ये जो i7 i5 10th जनरेशन का ये जो इन्होंने जो प्रोसेसर इसके अंदर दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के अंदर हेल्प करेगा, क्योंकि जो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर रैम और हार्ड डिस्क देख के लैपटॉप खरीदते हैं उनको देखने में और सुनने में काफी अच्छा लगेगा कि टॉप नॉच प्रोसेसर हमें मिल रहा है, बट जो सारे स्पेक्स है पूरे हार्डवेयर है वो इक्वली जब तक काम नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसेसर आपको फुल पावर नहीं दे पाएगा। और अगर बात करते हैं इसकी वोल्टेज की, तो 20 वॉट मैक्सिमम इसका पावर कंजप्शन है, इतने वोल्टेज के अंदर प्रॉपर परफॉर्मेंस ले पाना इम्पॉसिबल है इसके अंदर। एंड जो बात करें अगर इस ग्राफिक कार्ड की, ग्राफिक कार्ड का मेन पर्पज होता है कि वीडियो रेंडरिंग, एडिटिंग और गेमिंग के अंदर काफी बड़ा रोल रहता है, तो ग्राफिक कार्ड्स काफी छोटे दिए गए हैं। अगर स्पेशली आप गेमिंग के लिए अगर इसे लेने वाले हैं तो GTA 5 वगैरह तो आप इनमें मीडियम सेटिंग के अंदर खेल पाएंगे, बट इतना अच्छा फ्रेम रेट आपको नहीं मिल पाएगा, और अपकमिंग जो गेम है उनके लिए तो ये बिल्कुल भी बेटर नहीं है, क्योंकि आने वाले जो गेम्स हैं उनके लिए आपको कम से कम 4GB के ग्राफिक्स की जरूरत पड़ने वाली है, कम से कम रिक्वायरमेंट होता है गेमिंग लैपटॉप के लिए, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2GB का ग्राफिक्स मिलता है। तो जो वीडियो एडिटर्स हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्पेशली अगर आप गेमिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं, आपका काम सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग का है और आपका बजट है 60,000 रुपये,
तो नो डाउट एप्पल की तरफ जाइए, एप्पल का जो मैकबुक एयर है काफी अच्छा एडिटिंग करके देगा। अब बात करते हैं गेमर्स की। तो गेमर्स, आपने सोच लिया है कि आप 60,000 रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे असूस का मॉडल ले लेते हैं, असूस TUF गेमिंग FX705DT AU09 मॉडल है इस लैपटॉप का, और इसके अंदर आपको 17.3 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं MI आपको 14 इंच की स्क्रीन दे रही है जो कि गेमिंग के लिए काफी छोटी है। और बात करते हैं अगर ग्राफिक्स कार्ड की, जो मेन आपके गेम की वीडियो की प्रोसेसिंग करेगा वो इसके अंदर है NVIDIA का GTX 1650, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और इसका जो वीडियो रैम है वो 4GB का ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे रहने वाला है। और अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको Ryzen का 3550H यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें 8GB का DDR4 रैम और 512GB की NVMe SSD स्टोरेज जो कि काफी फास्ट रहती है। तो ये ऑप्शन गेमर्स के लिए काफी बेस्ट रहेगा। अगर आप दोनों ही कामों के लिए ले रहे हैं, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए, तो ये वाला लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा एसर के भी काफी सारे गेमिंग लैपटॉप्स आ रहे हैं इसी रेंज के अंदर, तो आप एसर और असूस के अंदर जा सकते हैं अगर आपका बजट है 60,000। अगर उससे ऊपर का है तो HP और डेल की तरफ भी जा सकते हैं, वहां भी आपको काफी अच्छे अच्छे स्पेक्स देखने को मिलेंगे। MI ने काफी बड़ा बूम क्रिएट किया है मार्केट के अंदर। उन्होंने कोशिश की है लैपटॉप को पतला भी रखें, उसका जो डिजाइन है उसको मेटेलिक रखें, स्क्रीन को छोटा रखें और बेजल्स को कम से कम रखा जाए, और भी काफी सारे उसको मतलब ऑलराउंडर लैपटॉप बनाने की कोशिश की, जिसके चलते हुए उन्होंने बजट भी कम रखा और चीज़ें भी भर भर के देना चाहा, बट ऐसा कर नहीं पाए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो MI को भूलकर आप उसके अलावा मार्केट में और काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, और उससे दिन रात का फर्क है इन दोनों के बीच की परफॉर्मेंस का, तो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ लैपटॉप्स के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां जाके आप इनके स्पेक्स और फीचर्स को चेक कर सकते हैं। सो होप सो गाइज, आपके माइंड में जितने भी डाउट्स थे इस लैपटॉप को लेके वो क्लियर हुए होंगे। एंड इन फ्यूचर भी गाइज, आप इस तरह के इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो से अप टू डेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल टेक बाय ऋषभ को। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।